डोनेट कार्ड और प्रोजेक्ट अर्थ के साथ जुड़कर कोविड से गुजरे हुए अनक्लेम बॉडीज का डिग्निफाइड क्रिमेशन करने में मदद कीजिए। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। दादी अस्पताल में एडमिट है कोविड सेंटर में, तो मैं वहाँ उनके लिए खाना लेके गया था और प्लस उनका डॉक्टर बोले थे कि ब्लड टेस्ट कराना है। तो ब्लड टेस्ट कराने के लिए वो भैया को लेके गया था ये लैब से, तो वो ब्लड लेके आए और वहाँ मैं रुका और उनको पैसा वैसा दिया और उनका जो जो जाँच डॉक्टर लिखे थे वो दे के और मैं आ रहा था। इतना मैं आते समय कलेक्टर साहब लोग वहाँ पर रुके, सबको रुकवा रहे थे, तो मैं रुका, साइड में लगाया गाड़ी, फिर उतर के गया। उनको बस पर्ची दिखाने के लिए कर रहा था उनके पास जाके, तो वो एक बार तो बोले ठीक है, फिर लेकिन इधर आके ना उनको पता नहीं क्या लगा, वो पर्ची और मोबाइल दोनों था मेरे हाथ में और चाबी भी थी बाइक की। अब पहले तो वो क्या बोलते हैं कि मोबाइल लिए और पटक दिए, फिर पर्ची देखे भी नहीं और एक झापड़ मार दिए मेरे को, और पुलिस वाले को से भी बोले कि मेरे को मारने के लिए, और चाबी ले लिए बाइक का और मोबाइल एकदम तोड़ दिए पूरा। अब सर देखिए, कोई छोटा अधिकारी कुछ करता तो हम बड़े अधिकारी के पास जाते शिकायत करने के लिए। अब जिले के जो सबसे मेन मालिक हैं कलेक्टर साहब, वो ऐसा किए हैं तो किसके पास जा सकते हैं। मैं अपने बेटा को भेजा था साहिल गुप्ता को दवाई दुकान श्रीराम मेडिकल, कि हाथ में टीका लगा था मुझे, मेरे को दूसरा डोज लगा था, मिसेज को पहला डोज लगा है, और थोड़ा सा पेन हो रहा था, बॉडी में दर्द था, तो दूसरा दवाई खाना नहीं था। डॉक्टर से पूछे थे तो बोले पैरासीटामोल खाना है और दूसरा दवाई नहीं लेना है। तो मैं बोला जा बेटा दवाई ले आओ और तुरंत आना, कहीं मत जाना। और बेचारा दवाई लिया है और दवाई लेके निकला है दवाई स्टोर से, और वो तुरंत गाड़ी आके रुका है, कलेक्टर साहब उतरे हैं, उतरने के बाद इसको रुकोए हैं, बुलाए हैं कि रुको रुको इधर आओ। तो एक चला गया मेरा बेटा, तो बोलता है क्यों क्या कर रहे हो, तो बोले दवाई लेने आया था अंकल, ये दवाई लेकर के जा रहा हूँ, जबकि उसको दवाई भी दिखाई कि दवाई लेकर जा रहा हूँ। तो बोले चलो इधर किनारे खड़ा हो, और डंडा गाड़ी से निकलवाए हैं गार्ड से, और देख उसके पैर के नीचे मारे हैं, पूरा लाल हो गया है उसका पैर, लंगड़ कर चल रहा है। मैं इलाज करवाना चाह रहा था लेकिन को लॉकडाउन के चलते मैं नहीं निकला घर से, कि आज और कल नहीं जाऊंगा, मैं परसों सोमवार को एक सर्वे करवाऊंगा। जिला प्रशासन की गुंडागर्दी है ऐसा, कभी मैं कलेक्टर में, आज मेरा 50 साल उम्र हो गया है, मैं कभी कलेक्टर को हाथ उठाते हुए डंडा चलाते हुए मैं नहीं देखा था। इससे पहले कई घटना और घट चुकी है बाजार गली में। कल्लू अग्रवाल को इतना मारा गया था, आलू सुभाष के लड़के को इतना मारे थे कि वो 4 दिन तक इलाज करवाएं, उस समय ही आवाज़ उठाना चाहिए था, ये लेट हो चुका है यार, और मुझे बहुत तकलीफ लगा है। जब उनको रोका गया तो उन्होंने कहा कि मैं वैक्सीनेशन लगवाने जा रहा हूँ। उन्होंने एक पर्ची दिखाई जो वैक्सीनेशन से संबंधित नहीं थी। बाद में वो बोले कि मेरी दादी जी
मेरी दादी जी को मैं देखने जा रहा हूँ। उन्होंने बदतमीजी की, मैंने आवेश में आके उनको एक चाटा मार दिया। मैं माफ़ी मांगता हूँ अपने इस व्यवहार के लिए।